जय प्रेक्षित और मैं जय ना खाया करे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं 7:40 और आज संडे है, बट संडे लग नहीं रहा क्योंकि दीदी भी स्कूल गई है, स्कूल में पीटीएम है। आज लास्ट है, बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो होमवर्क वगैरह देंगे आज टीचर्स, पीटीएम इस वजह से रखा गया है। और बच्चों ने झाड़ू पोछा कर दिया, दीदी सारा काम करके गई है क्योंकि मैं तो परसों से पड़ी हुई हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, उठने की हालत नहीं है। खड़ा तो कल डॉक्टर के गई थी, अभी जस्ट उठी, एक्सरसाइज वगैरह की है और चाय पी है अभी एक्सरसाइज करने के बाद, और फिर डॉक्टर के जाऊंगी। 3 दिन के लिए लगातार बुलाया है उन्होंने, नस पे बिल्कुल सोजन आ रहा है इतना अलग से ही, जैसे नस दब जाती है फिर उसके ऊपर कुछ पता नहीं, मतलब एक पैर एक साइड से ऐसे रहता है, उठने में बहुत दिक्कत होती है, किसी सहारे की लेने की ज़रूरत है। बेटी कर रही है डस्टिंग और आज अभी पोछा लग चुका है, तो बच्चे बेचारे बहुत काम करते हैं ऐसे, और मेरा बेटा गया मामा के घर। आपको खीरा का जूस बनाऊं 9 बजे? मना दी, मैं जाऊंगी उस पहले पिक के चल जाऊंगी फिर। पहले इधर खींच ले, नहीं ए सही बिछा रही थी फिर खींच लेती पागल, जब बिछवा दे रहे बेटा सही है, बहुत ज्यादा आग आके गंदो है वैसे, फिर दैलान साफ रहे वो। बैठ के सारे बिड़ाके कर दे, चाहे पायदान डालन डाल जरूर ना रख फिर यहाँ पे, तो फोल्ड ना करने दी रहन दे ना भी स्थित कर दो। नू ये यहीं पे बैठ के अपने रोटी रोटी खा ले आराम से, सही रहे ऊपर ना गंदगी हो, या एक बार धो दे 10 दिन में 5 दिन। बस और पायदान वगैरह जो भी है यहाँ बड़ा बड़ा ये डाल दिए और छोटा बड़ा डाल दिए। तो हे गाइज, अभी शाम के बच रात के बज चुके हैं 9 और अभी मैंने जस्ट एक्सरसाइज की है। मैं सुबह से कोई व्लॉग नहीं बना क्योंकि मेरी जो दवाइयाँ दे रखी ना उसमें इतनी ज़्यादा नींद आती है मेरे को, बहुत ज़्यादा सोने के बाद बिल्कुल भी वो नहीं रहता। दोनों टाइम एक्सरसाइज करती हूँ, सेक वगैरह मालिश वगैरह करती हूँ, नहाई थी आज, कल नहीं नहाई थी, और अभी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं 30% है मतलब फ़र्क, बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी, बट अभी बेड रेस्ट पर ही हूँ, कुछ काम वगैरह तो नहीं करती हूँ, थोड़ा सा चलने फिरने में अभी यूँ नहीं है कि बिल्कुल चलती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ, वॉशरूम तक जा सकती हूँ। पहले दिन तो आपने मेरी हालत देखी होगी, वॉशरूम तक भी नहीं जाया जा रहा था, तो आज ये है कि अपने पैरों पर चलकर वॉशरूम तक जाना, नहाई थी नहाने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि बिल्कुल भी ऐसे थोड़ा सा भी झुका नहीं जा रहा, बैंड थोड़ा सा भी बैंड होने में दिक्कत आ रही है, वैसे मतलब थोड़ा फ़र्क है, धीरे धीरे होगा, कितने दिन लगेंगे, डॉक्टर ने 3 दिन लगातार बुलाया है, अभी कल जाएंगे, आज गैप दे दिया था बीच में क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि देखते हैं 1 दिन गैप दे कर आना ताकि आप एक्सरसाइज करो, उससे हमें पता चल जाए कितना फ़र्क है आप में, तो कल जाऊँगी फिर उसके बाद देखते हैं, परसों बुलाएँगे या 1 दिन छोड़ कर बुलाएँगे, और प्रे करो जल्दी से ठीक हो जाऊँ उसके बाद रेगुलर व्लॉग डालूँ, क्योंकि अभी व्लॉग के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, काम वगैरह कुछ कर नहीं रही तो व्लॉग डालने का क्या है। मम्मी का रोज़ फ़ोन आ रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, आ जाओ, तो वहाँ पर भी ऐसे ही बेड पर लेटे रहना, इस वजह से मैं अभी नहीं जा रही, थोड़ा ठीक हो जाऊँगी तभी जाऊँगी। दीदी भी कह रही है मेरे से जो बड़ी है वो आ जा आ जा, उसके वहाँ पर जाना था मुझे क्योंकि उसको ऑपरेशन करवाना था, अब उसने ऑपरेशन भी कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं जा नहीं पाई, और अभी खाना खाऊंगी, बहुत तेज़ की भूख लग रही है अभी, तो खाने में देखते हैं क्या बनाया है। 9 बज रहे हैं क्योंकि दीदी के पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उसको भी अभी कपड़े वगैरह वॉश किए हैं शाम के समय ही,
तो अभी वो खाना बना रही है, उसके बाद बर्तन वगैरह मिक्स करेगी। थोड़ा सा मैं बोल रही थी लाओ खड़े खड़े खाना तो मैं बना दूँ, लेकिन मम्मी हाँ बना दे, खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा तेरे से। तो अभी दो दिन होली मैं कुछ भी नहीं कर रही, तीन दिन होली है। आज बड़े बच्चों की भी, जो बहन के बच्चे थे उनकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो कल से इतनी दिक्कत नहीं आएगी दीदी को काम में, क्योंकि आज बच्चों की स्कूल गए थे, इस वजह से ज़्यादा काम हो गया। ये बड़े हो रहे हैं, काम करवा देते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह जितना भी होता है ये कर लेते हैं, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी काम करने में, बच्चे करवा देंगे, उसके बाद ये पढ़ाई वगैरह भी करेंगे, बहुत सारा काम दे देते हैं आजकल स्कूलों में बच्चों की जब छुट्टियाँ होती हैं। मेरा बेटा मामा के घर गया, मेरी बेटी यहीं पर है, ये भी जिद कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन जब मैं सही हो जाऊंगी तभी इनको लेकर जाऊंगी साथ में ही। और गर्मी इतनी है, 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बाहर तो पूरे दिन यहाँ पर अंदर एसी चला रहता है तो ठंडा रहता है थोड़ा, शुक्र है लाइट वगैरह भगवान की दया से ठीक आ रही है, कटती नहीं है। बट अभी जैसे ही टेम्परेचर कभी कभी बढ़ता है तो रात को लाइट कट जाती है, तो नींद आना माँ बाहर हो जाती है, इतने पसीने चलने लग जाते हैं, और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आती। फिर जैसे ही लाइट चली जाती है तो लाइट नींद नहीं आती है। अभी मैं दो तीन दिन से एसी बिल्कुल फ्रंट में नहीं सो रही हूँ, अंदर सोती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंड में मैं तो सिकाई वगैरह करती हूँ, तो इतना ठंड में फिर से जाम ना हो जाऊँ इस वजह से। पर अंदर भी बिल्कुल कूल रहता है, क्योंकि पूरे दिन चल रहा है तो बिल्कुल ठंडा है, अंदर का टेम्परेचर अच्छा हो रहा है। तो मिलते हैं, कुछ खा पी लेते उसके बाद आपसे। तो गाइज भूख लग रही थी, खाना भी आ चुका है, खीरा लेकर आई है, आलू की सब्ज़ी बनाई है और रोटियां। अभी खाना हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि मैं जल्दी खाने की आदत है मेरी, और शाम के समय बिल्कुल हल्का। मैं तो दीदी को बोल रही थी कि दलिया वगैरह बना लो, दलिया बना लेंगे, मेरे को तो रोज़ दलिया ही अच्छा लगता है, तो कल देखते हैं दलिया बनवाऊँगी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह की बज चुकी हैं 8 और जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ। तो सुबह सुबह दीदी नहला देती है क्योंकि डॉक्टर के जाना है, आज का अपॉइंटमेंट है। तो देवर आएंगे, ले जाएंगे मामा के लड़के, इनके मामा के लड़के, क्योंकि हस्बैंड की आज ऑफिस की छुट्टी नहीं थी। कल हम शाम को जाएंगे, अगर कल बुलाएंगे तो, या हाफ डे लेकर आ जाएंगे। रोज़ रोज़ भी कौन जाता है वैसे। तो अभी मैं नहाई हूँ, खीरे का जूस पिया है, सुबह उठकर एक्सरसाइज की थी, एक चाय पी थी आधा कप, चाय तो अच्छी लगती ही नहीं है बिल्कुल। और अभी खाना खाऊंगी 1 घंटे बाद, क्योंकि हम 1 घंटे बाद डॉक्टर के जाएंगे, उससे पहले मैं या तो चिल्ला बनवा के खाते जाऊंगी, फिर आकर रोटी खाऊंगी, क्योंकि भूख इतनी लगती है बार बार में, फिर रोटी अच्छी नहीं होती। तो मैंने अभी खीरे का जूस पी लिया है, 1 घंटे के बाद खीरा दही खा लूँगी, इसके बाद रोटियाँ खाऊँगी। और मेरा जो पेट है ना, जो चर्बी है पूरी तरह से कुल्लों के ऊपर आ गई है, इतनी ज़्यादा चर्बी आ गई कुल्लों के ऊपर, तो इसकी एक्सरसाइज आज मैं पूछ के आऊँगी। मतलब वैसे तो YouTube पर सब कुछ दिखा देते हैं, बट बैक पेन भी है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं हमें, उसकी वजह से ये चर्बी बहुत मैटर करते हैं, अजीब सा हो गया है। तो धीरे धीरे करेंगे, एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी, घूमना एक्सरसाइज सब कुछ छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं दोबारा मेरी ये हालत हो गई है। बच्चे नहा लिए हैं, क्या हो गया, क्या ले रही, टाल दे दे बेटी, टाल दे दीदी को, दीदी नहाएगी, दूसरा ले ले, दूसरा ले ले जा, जल्दी 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 नहीं जा, मैं देखो ना, दे दूसरा ले ले जा, जा दूसरा ले, मौसी उसने मेरे बाल नखरू है, पता है ये बेटी के पास से बाल कंघी करवाए हैं मैंने, कर तो लेती हूँ लेकिन इतनी देर बैठा नहीं जाता, तो कंघी उससे करवाया मैंने, और मैंने बाल कटवा लिए थे, कुछ हफ्ते हो गए, बहुत ज़्यादा हल्के भी हो गए मेरे बाल। अभी चिल्ला लेके आए हैं तो चिल्ला खा लेते हैं, फिर डॉक्टर के जाएंगे।